शमशान का सौंदर्यीकरण, जहां लोग इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने घर को सजाने में व्यस्त रहते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी अपना घर बनाने में लगा देते हैं, वहीं शमशाबाद में मुक्तिधाम समिति शमशान का सौंदर्यीकरण का काम कर रही है। समिति द्वारा विगत 5 सालों में शमशान घाट को बहुत सुंदर बनाया गया है। शमशाबाद मुक्तिधाम में पौधे रोपण साफ सफाई का काम किया जाता है, जिससे मुक्तिधाम एक बगीचे के रूप में तैयार हो गया है। मुक्तिधाम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भैरव सिंह ने बताया कि हमारी समिति द्वारा मुक्तिधाम में साफ सफाई और पौधे रोपण का कार्य किया जाता है और समिति का संकल्प है कि मुक्तिधाम का सौंदर्यीकरण इस तरह से करें जिससे लोग सुबह शाम यहाँ घूमने आए हैं। 2005 में मेरी माताजी के देहांत के बाद मैंने यहाँ देखा कि लोग बाग आकर बात करते हैं शमशान घाट का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि माँ की जो रसोई गमी होगी उसका जो पैसा होगा उससे आधा पैसा मैं शमशान घाट में लगाऊंगा। अकेला शुरू हुआ था काम करने के लिए 2005 से। इसके साथ में मेरे मित्र जगमोहन जी, गणेश सोनी, मनोहर आर्य वगैरह जुड़ते रहे। कुछ 6 महीने बाद श्री राजमल आर्य जी, आरपी गुप्ता जी वगैरह जुड़ गए। हम सब लोगों ने मिलकर मुक्तिधाम सेवा समिति का गठन किया और उसके माध्यम से हम लगातार 2005 से काम करते चले आ रहे हैं। और डैम बनने के बाद में ये पुराना मुक्तिधाम हमारा बहुत अच्छा सौंदर्य लगने लगा था, डूब गया। इसके बाद में फिर पुनः समिति का ने निर्णय लिया कि पुनः इसको जीवित किया जाए और इसका सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया जाए। हमने का बीड़ा उठाया, हम लोग पैसे के लिए झोली फैलाते हैं, किसी की अर्थी में आते हैं, समिति के लोग इकट्ठा पैसा करते हैं। हमने बाबा गिरधारी नाथ मानव सेवा एवं सार्वजनिक समिति बनाकर उसके माध्यम से मुक्तिधाम सेवा समिति उसके अंडर में काम कर रही है। माननीय सूर्य प्रकाश जी मीणा जब मंत्री थे, उन्होंने 5 लाख रुपए यहाँ के समतलीकरण एवं पिचिंग के लिए पैसा दिया था, उसके वजह से ये काफ़ी बड़ा स्पेस हो गया है। लगातार समिति ने करीब 400-500 पौधे लगा रखे हैं। प्रत्येक रविवार को और बुधवार को समिति के लोग आते हैं, अपनी श्रमदान देते हैं। साथ में हम लोग बरसात गर्मियों में दिन में 2 बार पानी डलवाते हैं और समिति का काम अच्छा चल रहा है। बस्ती का भी सहयोग मिलता है। कुछ श्रमदानियों ने यहाँ निर्माण कार्य भी किए हैं, जैसे बंसल जी ने कुछ पौधे दिए हैं अशोक के, और टीन सेट का निर्माण करवाया है। समीर सक्सेना जी के माध्यम से भी एक टीन सेट का निर्माण। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया खबर लाइव और मुझे दीजिए अभी इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।